नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र प्रेम जन जागता राष्ट्रहित में समर्पित है। भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 150वीं वर्षगांठ 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक 2019 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के याद में आज भारत पर्यटन पर्व मना रहा है। यहाँ पर दिल्ली एवं दूर दराज के भारतीय एवं विदेशी सैलानी इसमें पर्यटक पर्व का लुत्फ उठाते हुए आज भारत को सभी सांस्कृतिक को लेकर समझने की जरूरत है। आगे रिपोर्टिंग देखिए, दिल्ली से खास रिपोर्टिंग। पिता महात्मा गांधी जी के याद में 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक का 150वीं वर्षगांठ आज हमारे देश की रीति रिवाज सांस्कृतिक के तौर पर आज महात्मा गांधी जी के संस्कार और महात्मा गांधी जी के कहे अनुसार आज भारत की हर एक जो है रीति रिवाज सांस्कृतिक के अनुसार आज समझने की ज़रूरत है। सभी देश विदेश के लोग सैलानी यहां पर लुत्फ उठाते हुए सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन के सामने पर्यटन का भव्य मेले का आयोजन भारत सरकार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने देश में पर्व को लेकर रीति रिवाज भारत की संस्कार सभ्यता की तौर पर यह जाना जाता है कि हर राज्य में अलग अलग सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, अलग अलग जो है संस्कार बसे हुए हैं और एक समूह एक कलाकार आज पर्यटन पर्व मेले में अपनी कलाकृति दिखाते हुए भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनता और दूरदराज के लोग पर्यटक मेले में बड़े हर्षोल्लास के साथ महात्मा गांधी जी के प्रदर्शनियों को समझने के लिए आज हम हाईटेक के ज़माने में चल रहे हैं। जो बटन दबाते हैं वही महात्मा गांधी जी के जो है सारे विचार आ जाते हैं। उन्होंने क्या किए हैं सारे जो है आप यहां पर आकर देख सकते हैं। विचार 150वीं वर्षगांठ के भारत की सभ्यता संस्कार आज 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण के लिए हमारे देश का एक अलग गौरवशाली रहा है। हम आज जानने की ज़रूरत है हमारे देश में जिस तरह से सांस्कृतिक रीति रिवाज या बसा हुआ है वैदिक कालों से आ रही, या जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ हमारे देश की एक अलग पहचान है, एक अलग संस्कार है, रीति रिवाज है और यहाँ पर बसने वाले सभी भारतीय एक खुशहाल नुमा देश के विकास के तरफ आगे बढ़ते हैं। उनकी कार्यशैलियाँ हमेशा यही रहा है कि सबका साथ सबका विकास और पूरा विश्व का जो है भला सोचती है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय यह अच्छा कार्य करते हुए आज हम बताना चाहते हैं कि आज एक समूह एक प्लेटफार्म पर लाकर राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने यह कार्यक्रम चलाया गया 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक। लोगों ने देश विदेश के दिल्ली वासी भी इसमें लुत्फ ले रहे हैं, बड़े जोश जुनून के साथ यह देखा जा रहा है। और हमारे देश की गौरवशाली यह रहा कि जिस तरह से यह कार्य किया जा रहा है आज हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे देश में अब हम बैठे बैठे जो है एक मंच पर एक जगह एक मेले में हम देख सकते हैं कि हमारे देश की संस्कृति क्या है। और यह जानना भी ज़रूरी है और हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि देश के लिए सोचें, देश के विकास के लिए सोचें। हमारे आप चैनल देख रही हैं, जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।